Academy, India's top coaching institution for civil services preparation. Join us online to get most enriching experience from best faculty with excellent notes and specially designed courses. To join the batch, download Nandipaya's Academy app from Google Play Store.

हर चीज पता है कितने दिन का रोजगार मिलता है कहाँ पे मिलता है कौन सा स्टेट ने सबसे ज्यादा रोजगार दिया हुआ है कौन सा स्टेट ने सबसे कम रोजगार दिया हुआ है इस हिसाब से कौन सा स्टेट के पास उसका खुद का अलग सा स्कीम है ये सब चीजें आपको पता है और हमने इतना सारा पढ़ने के बाद यूपीएससी ने क्या किया है पता है एक बहुत बेसिक सवाल पूछा है कि एम जी नरेगा के अंदर किसको बेनिफिट मिलता है ये हमें स्पेसिफिकली पता नहीं है क्यों पता नहीं है क्योंकि हमने इस हिसाब से यहाँ पे पूरी चीजें स्पेसिफिकली नहीं की हुई है सो यहाँ पे देखिए ऑप्शन uh, क्या है एडल्ट मेंबर्स ऑफ ओनली द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब ऐसा है क्या आपके आजू बाजू में आपने देखा होगा ऐसा है क्या कि सिर्फ एमजी नरेगा में सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को जॉब मिलेगा ऐसा नहीं है सो फर्स्ट ऑप्शन ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा दूसरा ऑप्शन एडल्ट ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन ऐसा भी नहीं है कम्युनिटीज अगर ओबीसी है तो फिर एस सी एस टी क्यों नहीं सो so ये ऑप्शन और सी ऑप्शन को क्या करते हाउस होल्ड वाई क्योंकि एम जी नरेगा स्कीम इज अ वॉलेंटरी एम्प्लॉयमेंट स्कीम इम्पोर्टेंट पॉइंट एम जी नरेगा स्कीम इज अ वॉलेंटरी एम्प्लॉयमेंट स्कीम यहाँ पे किसी को भी फोर्स नहीं किया जाता कि आप ज्वाइन करो यहाँ पे ज्वाइन मत करो So this is the logic behind this answer. Question number forty-two. With reference to Lukic policy of India, consider the following statements. India wants to establish itself as an important regional player. See, India is not demanding to be a super player. India don't want to be a superpower. India don't want to be a global player. India wants to be a regional player in which, re in which region, in which affairs, in East Asian affairs, and it is a true thing. That's why. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट अगर पहला ऑप्शन करेक्ट है तो ऑटोमेट तो ऑटोमेटिकली सी ऑप्शन गलत हो जाएगा इंडिया इंडिया टू प्लग द द वैक्यूम क्रिएटेड टर्मिनेशन ऑफ कोल्ड वॉर सी मोस्ट पॉलिसी फॉलोड जस्ट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इज स्टिल ऑन द एजेंडा ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिया आज भी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को ही फॉलो करता है इंडिया डू नॉट वॉन्ट टू प्लग एनी काइंड ऑफ वैक्यूम क्रिएटेड बाय एंड ऑफ कोल्ड वॉर सो सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा अगर सेकंड ऑप्शन गलत है तो वन टू थ्री चला जाएगा सो so, अगर वन टू थ्री चला गया तो हमें देखना है कि वन एंड थ्री बचता है क्या इंडिया वॉन्ट्स टू रिस्टोर द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज़ विद नेबर्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया सो ये ट्रू है कि आप विष्णु पुराण में से और बहुत सारी चीजों में देखोगे कि बहुत सारे टेम्पल्स ये वियतनाम में है कंबोडिया में है इंडोनेशिया में है एंड इंडिया वांट्स टू रिज्यूविनेट ऑल दिस कल्चरल टाइज विद दी साउथ ईस्ट एशियन एंड ईस्ट एशियन कंट्रीज सो थर्ड ऑप्शन भी सही है अगर एक सही हो गया तो ऑटोमेटिकली बी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर आप साउथ इंडियन मूवीज देखते होंगे ना तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे साउथ इंडियन मूवीज में जो बहुत बड़े विष्णु के टेम्पल्स है जो इंडोनेशिया में वियतनाम में कंबोडिया में लाउस में पाए जाते हैं वो सभी दे आर नथिंग बट कल्चरल टाइज़ बिटवीन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशन एंड ऑल्सो बुद्धिज्म अबाउट ईस्ट एशियन नेशन क्लियर सो इट इज क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू यूनियन बजट इज नॉट पास बाय लोकसभा It means a budget which is presented in Lok Sabha under Article 112 of the Indian Constitution. And when it is being run and when it is not passed by Lok Sabha, then what happens? The budget is modified and presented again. No. The budget is referred to Rajya Sabha for suggestion. No. Rajya Sabha has the least possible powers with respect to budget. Rajya Sabha has to pass the budget given to it by Lok Sabha within 14 days. If Rajya Sabha fails to pass the budget passed by Lok Sabha within 14 days, that budget shall deem to be passed by Rajya Sabha. So second one is not correct. Third, Union Finance Minister is asked to resign. Wrong. India has the concept of collective responsibility, so the resignation of Finance Minister does not hold any significance for this collective responsibility. So the correct answer is the Prime Minister submits the resignation of the Council of Minister. Why? We have council. Of, we have collective responsibility, which means Prime Minister and his Council of Minister they swim and sank together resignation of prime minister is the resignation of entire council of minister and whenever they fail to get their annual union uh, state annual financial statement passed in the lok sabha prime minister and his council of minister will have to resign as they lack confidence of the house that's why the correct answer is d then under the constitution of india which one of the following is not a fundamental duty this is the very favorite question of upsc

Uh, कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है हम देखते हैं टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन दिस इज नॉट द फंडामेंटल ड्यूटी वाई रिमेंबर राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन और राइट टू वोट इज यूर स्टैचु राइट इट इज नॉट योर फंडामेंटल राइट सो ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी भी नहीं है लेकिन टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर इज योर फंडामेंटल ड्यूटी सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है और टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल फंडामेंटल ड्यूटी है सो so, नीचे की तीनों वाली भी फंडामेंटल ड्यूटी है एक्सेप्टी right का जो पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यह ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था फिर से एक बार कहता हूं फंडामेंटल ड्यूटीज का जो पार्ट है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था इट वॉज एडेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वरण सिंह कमिटी फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंक्लूजन है ये स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे किया गया था बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 दिस 42nd अमेंडमेंट एक्ट एडेड 10 फंडामेंटल ड्यूटीज देन 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 it added 11th फंडामेंटल ड्यूटी दैट मींस राइट नाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज It has, it has been given in article 51a 11 fundamental duties are there and it is given in part 4 capital a of the indian constitution fundamental duties are given in part 4 capital a of the indian constitution agla sawal question number 45 with reference to the finance commission of india which of the following statement is correct अब पे एक सबसे जरूरी चीज ध्यान में रखिए फाइनेंस कमीशन के बारे में क्या क्या सवाल आते हैं फाइनेंस कमीशन इज गिवन इन आर्टिकल 280 एटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दूसरी चीज फाइनेंस कमीशन इज असी ज्युडिशल बॉडी तीसरी सबसे जरूरी चीज आपको ध्यान में रखनी है फाइनेंस कमीशन गिवज स्टैच्यूटरी ग्रांट अंडर आर्टिकल 282 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट गिव स्टैचरी ग्रांट अंडर आर्टिकल 282 दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अब यहाँ पे ध्यान में रखिए फाइनेंस कमीशन का काम क्या क्या है, so, डिसाइड करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो कोई भी फंड आए हैं जो भी फाइनेंसेस आए है यह फाइनेंस का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और स्टेट में कैसे किया जाएगा अभी यह फाइनेंसिस का डिस्ट्रीब्यूशन जो सेंटर और स्टेट में किया जाता है इसको कहा जाता है वर्टिकल डिवोल्यूशन और सेम फाइनेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट स्टेट में जो किया जाता है इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन ये दोनों चीजें ध्यान में रखिए फाइनेंसिस का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और स्टेट में जो किया जाता है इसको कहा जाता है वर्टिकल डिवोल्यूशन और ये सेम डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट स्टेट में जो किया जाता है इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन आर्टिकल 280 तो यहां पे क्या है जो फंड्स आए हैं इसका सेंटर स्टेट में डिविजन कैसे करना है स्टेट स्टेट में डिविजन कैसे करना है उसके बाद प्रेसिडेंट ने कहा हुआ कोई भी काम फाइनेंस कमीशन को करना पड़ता है उसके बाद फाइनेंस कमीशन ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में बढ़ोतरी कैसे की जा सकती है हाउ टू ऑगुमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ये भी बहुत जरूरी चीज फाइनेंस कमीशन करता है सॉरी आर्टिकल 275 इट टॉक्स अबाउट ग्रांट मैंने हाँ गलत कहा था एंड आर्टिकल 282 इट टॉक्स अबाउट डिस्क्रिशनरी ग्रांट सॉरी सही कहा था

राइट टू एजुकेशन राइट टू इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेस एंड राइट टू फूड विच ऑफ आर ह्यूमन राइट ह्यूमन राइट अंडर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट सो इस प्रकार के में आपको रिस्क लेना है इसको करना है। है। ये सीधा सीधा देन देयर इज अ कंसर्न ओवर द इंक्रीज इन हार्मफुल अलगल ब्लूम्स इन सी वॉटर्स ऑफ इंडिया और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कम हो जाता है उसकी वजह से वहां का जो फ्लोरा और फोना है उसका बहुत सारा नुकसान हो रहा है तो उसके पॉजिटिव फैक्टर्स क्या है डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिय फ्रॉम दीज ये सही है हमारे खेतों खलियानों में से जो न्यूट्रिय हम ज्यादा खाद जो यूज करते हैं हा ये खाद रेन वाटर की वजह से जो डिस्चार्ज होके इस में से जो समंदर में जाता है ये सबसे बड़ा रीजन है सो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन सो इस हिसाब से सी ऑप्शन चला जाएगा रन ऑफ फ्रॉम द लैंड ड्यूरिंग मॉनसून ये भी सही है दूसरा ऑप्शन सही है सो so ए भी चला जाएगा तो वन टू थ्री एंड वन एंड टू ओनली अपवेलिंग इन द सी येस इट इज अ ट्रू नीचे से न्यूट्रिएंट्स ऊपर आते हैं और वहां उसके हिसाब से भी ये होता है सो वन टू एंड थ्री आर दी करेक्ट ऑप्शन सो इर डी इज द ऑप्शन कंसिडर दोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन डिकी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड वोलैनिक एक्शन विच ऑफ दबो एड कार्बन डाइऑक्साइड टू दर््बन साइकिल डो नॉट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट रिलीजेस ऑक्सीजन सो पहला ऑप्शन गलत है अगर पहला गलत है तो ए ऑप्शन चला जाएगा डी ऑप्शन चला जाएगा सेकेंड रेस्पिरेशन हाँ सही है वेन वी रेस्पायर वी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड सो सी ऑप्शन इज दूसरा ऑप्शन सही है टू एंड थ्री टू थ्री एंड फोर डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर तीन तो ऑलरेडी आ गया सो so, तीन आ जाएगा चौथा हमें देखना है वोलकेन एक्शन हाँ सही है वोल्केनिक एक्शन रिलीजेज कार्बन डाइऑक्साइड सो करेक्ट ऑप्शन इज टू थ्री एंड फोर आपको ध्यान में रखना है आपको इस हिसाब से आपका आंसर निकालना है

ियन ग्रुप इज एन इनफॉर्मल अरेजमेंट विच एम्स टू अलो एक्सपोर्टिंग टू मिनिमाइजिकल एंड बायोलॉजिकलिफरेशन एज दर अरेडिंग आइडेंटिकल ऑब्जेक्टिव और दूसरा ऑस्ट्रेलियन ग्रुप कंप्राइज प्रिडोमेंटली एशियन अफ्रिकन नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज वेर एज में फ्रॉम यूरोपियन यूनियन एंड अमेरिकन कॉन्टिनें यहां पर उन्होंने एक दूसरे का फंक्शन इंटरचेंज किया हुआ लास्ट क्वेश्चन द सर्फेस ऑफ अ लेक इज फ्रोजन इन सीवियर विंटर बट द वॉटर एट इट्स बॉटम इज स्टिल लिक्विड वॉट इज द रीजन मतलब अगर आप विंटर सीजन में कश्मीर या कोई भी टेम्परेट रीजन में जाओगे तो आप ये पाओगे कि ऊपर की सतह पे बर्फ बर्फ है और उसके नीचे में पानी है ऐसा क्यों होता है सो इट इज ड्यू टू एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वॉटर आई रिपीट ऐसा क्यों होता है इट इज ड्यू टू एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वॉटर इसमें क्या होता है सी ऑप्शन इज करेक्ट है आइस इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट ये बराबर है लेकिन ये करेक्ट रीजन नहीं है ये भी सही है, लेकिन इट इज नॉट द करेक्ट रीजन यहाँ पे वॉटर का एनोमल बिहेवियर क्या होता है ध्यान देखिए सबसे पहली चीज जब वॉटर का टेम्परेचर चार डिग्री सेंटीग्रेड से नीचा हो, नीचे होगा मतलब तीन दो एक जीरो तो इसमें क्या होता है When of water is lower than 4 तो इसमें वो फोर के नीचे से अगर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा कहां तक फोर तक तो टेम्परेचर के बढ़ने से वाटर का वॉल्यूम कम हो जाता है नॉर्मली क्या होता है कोई भी चीज में को अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही उसका वॉल्यूम भी बढ़ने लगता है लेकिन वाटर के बारे में ऐसा नहीं होता है जहां पे वाटर का टेम्परेचर चार डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होगा तो उसमें क्या होता है कि चार डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे से कहीं पे भी जाओगे तो वहां पे टेम्परेचर बढ़ते ही वाटर का वॉल्यूम कम होने लगता है लेकिन जब चार डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर पहुंच जाता है तो वहां पे वॉटर स्टार्ट एक्सपांशन चार के नीचे टेम्परेचर बढ़ गया तो वाटर कॉन्ट्रैक्ट होता है लेकिन चार डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर एक्सपांड होना शुरू हो जाता है और यहाँ पे क्या होता है चार डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का जो वॉल्यूम है वो सबसे कम होता है और उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है तो ऊपर के आप देखोगे सतह पे तो उसका टेम्परेचर जीरो से कम है लेकिन उसके नीचे नीचे जब आप जाओगे तो पानी का टेम्परेचर चार डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है इस वजह से उसका डेंसिटी ज्यादा है और उसका वॉल्यूम uh, कम है तो इस वजह से वो लिक्विड फॉर्म में होता है दिस इज द रीजन दैट्स वाई द करेक्ट ऑप्शन इज डेंसिटी ऑफ वॉटर इज मैक्सिमम एट फोर डिग्री सेंटीग्रेड एंड द एनोमलस बिहेवियर ऑफ वॉटर सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर फिन पानी की सतह बर्फ की सतह बर्फीली होती है और उसके नीचे का जो होता है पानी होता है सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड विल कीप मीटिंग विथ मोर नंबर ऑफ लेक्चर इन दिस कैटेगरी इन दिस सेक्शन आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ दिल टू थाउजेंड ट्वेंटी प्रस टू कम टेन थैंक यू वेरी मच है गुड डे थैंक यू